भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के 25 तारीख को मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत 25 जुलाई को जनपद के सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में निर्वाचन नामावली में महिला मतदाताओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष मतदाता के विरुद्ध 944 महिलाएं हैं, जबकि इलेक्ट्रा रोल में 821 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार 25 जुलाई को निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा तथा बूथ के अधिकारी अपने बूथ पर जाकर के 3 समय में निर्वाचक नामावली को दुरुस्त करेंगे तथा महिला मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी हूं। मुझे आपको यह सूचित करना है कि हमारे जनपद की निर्वाचक नामावली में जो महिला मतदाताओं का प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम है। हमारे जनपद में जनगणना के अनुसार 1000 मतदाता के विरुद्ध पुरुष मतदाता के विरुद्ध 944 महिला मतदाता हैं, जबकि हमारे इलेक्टर रोल में 821 महिला मतदाता हैं। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक दिन निर्वाचक नामावली के नाम से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आगामी 25 जुलाई को वो छुट्टी का दिन है, उस दिन सभी लोग अपने घरों पे उपलब्ध होंगे। कार्य योजना ये है कि बूथ लेवल अधिकारी जो प्रत्येक बूथ पर तैनात हैं वो अपने बूथ क्षेत्र में जाएंगे और कम से कम 3 बार सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक दो दो तीन तीन घंटे एक जगह बैठ करके पूरी की पूरी निर्वाचक नामावली पढ़ेंगे और उसमें महिला मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे।